अष्टभुजा महादेवी का स्थान है, जहाँ दिन में चार बार वो रूप बदलती हैं। यह माता की मूर्ति लगभग 10वीं सदी की है और यह अंग्रेजों के समय पर खंडित कर दी गई थी। और इनका चमत्कार ये है कि दिन में तीन रूप बदलती हैं और भोपाल, इंदौर, बम्बई, दिल्ली सब जगह से आदमी आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह स्थान कई वर्षों से प्रसिद्धि लिए हुए है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हमारी टीम पहुंच चुकी है विदिशा जिले के पठारी में। आपको बता दें, विदिशा जिले के पठारी से महज कुछ दूर पर एक मंदिर स्थापित है जिसका नाम है पश्चिम मुखी माता मंदिर। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि इस मंदिर में जो माता स्थापित है पश्चिम मुखी माता, वो दिन में तीन रूप बदलती है। महामाया की प्रतिमा की स्थापना वनवास के दौरान पांडवों ने की थी। पांडवों ने इसी प्रतिमा की आराधना कर महाभारत में विजय प्राप्त की थी। यही कारण है कि महामाया के प्रति क्षेत्र के लोगों की अपार आस्था है। क्षेत्र में माता के दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पश्चिम मुखी माता का प्रभाव बगला मुखी माता के समान माना जाता है। यहाँ नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही अनुष्ठान भी होते हैं। दरबार में दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं। तहसील मुख्यालय पठारी से सटे बड़ोह गांव में पश्चिम मुखी महामाई का प्राचीन मंदिर है। विद्वान बताते हैं कि पश्चिम मुखी माता की प्रतिमा दुर्लभ एवं सिद्ध मानी जाती है। इसके आसानी से दर्शन नहीं होते हैं। पश्चिम मुखी महामाई के दर्शन मात्र से सतचंडी महायज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु बताते हैं कि माता दिन में तीन बार रूप बदलती हैं। ध्यान से देखने पर माता का चेहरा प्रातः काल कन्या के रूप में, दोपहर में युवावस्था में तथा शाम के समय वृद्ध स्वरूप में नजर आने लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के तीनों रूपों का दर्शन करने आते हैं। तीनों रूपों के दर्शन करने से अखंड सौभाग्य के साथ ही संतान सुख मिलता है। कहा जाता है कि माता के दर्शन करने के लिए माता के दरबार में प्रतिदिन शेर आया करता था, जो दहाड़ कर माता को प्रणाम करता था। या माता दरबार में हमारे संवाददाता आशीष सहेले ने पहुंचकर माता दरबार में श्रद्धालुओं से चर्चा की एवं उनसे जानकारी ली तो गांव के संतोष महाराज, सौरभ दीक्षित, मुकेश रिछारिया, घनश्याम पटेल, गुड्डू पटेल, अनिल सुमन ने बताया कि महामाई क्षेत्र की प्रधान देवी है, जहां लोग श्रद्धा भाव के साथ दरबार में माथा टेकने आते हैं। बड़ो निवासी गिरिराज किशोर दीक्षित ने बताया कि दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि अष्टभुजाधारी माता चिंता मुक्त कराती है। पश्चिम मुखी माता बगला मुखी माता के समान शत्रुओं पर विजय दिलाती है। इसलिए पांडवों ने वनवास के दौरान कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए 20 भुजधारी पश्चिम मुखी माता की स्थापना कर आराधना की थी। नवरात्र के मौके पर महामाई के दर्शनों के लिए भोपाल, टीकमगढ़, महारोनी, सागर, विदिशा, देवरी, सिलवानी, बेगमगंज, गंजबा सौदा, सिंदरोज, कुरवाई, खिरई आदि स्थानों से भक्तों का यहाँ नवरात्र के दिनों में तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि माता रानी के दरबार में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह माता रानी की कृपा से पूर्ण होती है। इस बात के कई प्रमाण भी हैं। इससे इन दिनों लोग अपनी पुकार लेकर यहाँ माता रानी के दरबार में पहुंचकर अपना माथा टेक रहे हैं। नगर के देवी स्थानों पर भीड़ उमड़ रही है। नगर में अनेक स्थानों पर मां भवानी की आराधना की जा रही है। चैत्र नवरात्र पर्व पर नगर के बड़ी माता मंदिर, छोटी माता मंदिर, पोटदार मंदिर, हरकट माता मंदिर, बड़ो स्थित माता मंदिर सहित नगर के अनेक मंदिरों पर प्रातः 5 बजे से ही माता रानी को जल चढ़ाने, पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। नगर के बड़ी माता मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर आस्था और शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं भारत के संपूर्ण देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम बड़ोई में अष्टभुजा महादेवी का स्थान है, जहाँ दिन में चार बार वो रूप बदलती हैं। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी श्रद्धा अनुसार मनोकामना देवी जी से जो आस्था लगी होती है वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे कई वर्षों से मैंने भी देखा है, आने जाने वाले लोग यहाँ भंडारा कराते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, देवी जी की आराधना करते हैं, पेड़ भरते हैं। अभी एक माह पहले सागर से कुछ लोग आए थे, पेड़ भरते हुए उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो कभी नहीं हो रही थी। उनने देवी जी को एक छत्र भी दान किया है। ऐसे कई प्रारूप हैं इस बड़ो स्थल पर, धार्मिक स्थल पर, धार्मिक नगरी है ये।
यहाँ एक बालाजी धाम का स्थान है। कई वर्षों से हमारी देवी जी के यहाँ रामायण जी का कार्यक्रम चल रहा है और भगवान की कृपा से तुलसीदास जी ने जो लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कराए तो तस फल जाका। इसी प्रकार सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली हमारी अष्टभुजा देवी माँ शक्ति स्वरूपिणी उनकी मैं सदा यहाँ आराधना करता हूँ, उनकी सेवा में तत्पर बना रहता हूँ। बड़ी माता मंदिर का इतिहास बताइए। बड़ी माता का इतिहास जो है हमारे बुजुर्ग लोग पूर्वज लोग बताते हैं कि यह माता की मूर्ति लगभग 10वीं सदी की है और यह अंग्रेजों के समय पर खंडित कर दी गई थी और इनको त्रस्त व्रस्त कर दिया गया था, इनकी पुनः स्थापना की थी आज से तीसरी चौथी पीढ़ी के पूर्वजों ने। और माता देवी जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और हमारे यहाँ पर रामदान जी का पाठ भी पहले 12-13 साल लगातार चला था और नवदुर्गा में यहाँ के भक्तजन लोग करवाते रहते हैं। यह बड़ी माता मंदिर बड़ोई में है, इसका क्या इतिहास है, क्या प्रारूप है बताएं। ये बड़ी माता वाई मंदिर बड़ोई जिला विदिशा मध्य प्रदेश, इनका चमत्कार ये है कि ये दिन में 3 रूप बनती है और भोपाल इंदौर बम्बई दिल्ली सब जगह से आदमी आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सवेरे बिल्कुल छोटी अवस्था में दिखाई देती हैं, दोपहर अच्छी और अवस्था में और शाम के बिल्कुल वृद्ध अवस्था में दिखाती हैं। जो 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 लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है क्या इस दरबार में आके? पूरी मन्नत होती है उनकी, अभी भी आए हैं बाहर से लोग बाग भंडारा कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। हर समय आदमी आते हैं, जाने के त्यौहार पावन पे भी आए, जब कभी भी आदमी आते हैं और बार हमेशा भीड़ लगी रहती है। स्थान है यहाँ पर, जो भी श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं उनकी माता रानी पूरी करती हैं। यह स्थान कई वर्षों से प्रसिद्धि लिए हुए है, बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं, कोई पिंडदान भर के आता है, कोई मनोकामना लेके आता है, उनकी मैया हर मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ की जो मैया है दिन में 3 रूप बदलती है, यह इतिहास है यहाँ के लोग बताते हैं। और बड़ा प्राचीन मंदिर स्थापित है और मैं हर वक्त भक्त से आशा एवं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई एक बार इस दरबार में जरूर दर्शन करने पधारें। जय माता दी।